नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। बाप बेटे के रिश्ते की तुलना किसी भी रिश्ते से नहीं की जा सकती। एक पिता खुद चाहे जैसी जिंदगी जी ले, लेकिन अपने बेटे को सारी खुशियां देने की कोशिश करता है। हर पिता का यही सपना होता है कि उसका बेटा पढ़ लिख कर ऊंचाइयों पर पहुंचे, और अपने बेटे को ऊंचाइयों पर देखने के लिए वो पूरी कोशिश करता है। जब बेटा अपने पिता के इस सपने को पूरा करने की बजाय मौज मस्ती करेगा तो जाहिर सी बात है पिता डांटेंगे ही, और उसका हक भी है। लेकिन एक पिता अपनी औलाद को डांटना भारी पड़ गया। दरअसल कौशाम्बी जिले में एक अजीब व गरीब घटना सामने आई है, जहां पर एक बेटे ने अपने पिता को डांटने पर जेल भिजवा दिया। जी हाँ, बता दें कि बेटे ने पिता के पास अवैध तमंचा होने की जानकारी पुलिस को दे दी। इस सूचना पर पुलिस ने आरोपी को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हालांकि इसके पीछे की पूरी कहानी सुनने के बाद आप दंग रह जाएंगे। पिता बेटे को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो पढ़ाई करे, जिससे नाराज होकर बेटा पुलिस स्टेशन पहुंच गया और अपने पिता के अवैध हथियार के बारे में बता दिया। पिता को नहीं मालूम था कि उसके समझाने पर बेटा इतना नाराज हो जाएगा कि उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। आप बेटे ने पकड़ा दिया आपको? तो उसी खन्नस में आई क्यों वो बोला जी हाँ, और इसी को उसकी निगाह में शायद को देखे था। सुना आपने कि किस तरह से पिता के डांटने पर बेटे ने अपने पिता को जेल भिजवा दिया। बता दें कि सराय अकल थाना क्षेत्र के खोपा गांव से पुलिस को 112 नंबर पर फोन कर कॉलर 19 वर्षीय मोहम्मद आजम ने बताया कि हमारे पिता अब्दुल कुद्दूस के पास एक अवैध तमंचा है जो अपने पास रख कर चलते हैं। सूचना मिलने पर डायल 112 पुलिस खोपा गांव पहुंची और अब्दुल कुद्दूस को पकड़ लिया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से अवैध तमंचा बरामद हो गया। वहीं पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना का इस मामले पर क्या कहना है, देखिए इस रिपोर्ट पर। देखिए, कल थाना सरायकिल में एक व्यक्ति को पकड़ा गया जिसके पास से 315 ओवर का एक अवैध तमंचा मिला है। बाप बेटे में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, तो इसी में इनके पास में तमंचा अवैध तमंचा था। इसकी सूचना पुलिस को मिली और उसको लाके इसमें गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके इसमें जेल भेजा गया है और आगे किसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस पूरी खबर को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि एक बेटे ने अपने बाप को गिरफ्तार करवा कर सही किया या गलत? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।